वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पावर पॉइंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा यूजफुल सॉफ्टवेयर है ये प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप प्रेजेंटेशन बनाए हैं या बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को लाजमी जरूर देखें दोस्तों। तो पावर पॉइंट बनाने के बाद क्या करते हैं कि आप प्रोजेक्टर पर किसी कंपनी में जाकर उसको प्रेजेंट करते हैं, किसी भी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के बाद। लेकिन दोस्तों अगर आपको कहा जाए कि मेरे पास जो है आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर देना है, पीडीएफ फाइल क्या करना, सेंड करना है, पावर पॉइंट को कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, तो कैसे कीजिएगा दोस्तों? तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पावर पॉइंट को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा पीडीएफ फाइल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा, बताऊंगा कि पावर पॉइंट को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम लोग पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और बताने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे जो है 3 से 4 आपको स्लाइड बना के रखा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो इस बहुत सारे भी स्लाइड हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पर 4 स्लाइड यहाँ पे लिया हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं इसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज या सेव, ओके। तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद जिस भी लोकेशन पे आपको इसको सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर कहाँ, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे मैं इसको क्लिक किया दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है, जैसे कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद आपको सेव एज टाइप, सेव एज टाइप में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ फाइल पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। ये जो पीडीएफ फाइल देख रहे हैं, पीडीएफ का ऑप्शन, इस पीडीएफ को कॉल बस, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पीडीएफ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आपको ओपन आफ्टर पब्लिशिंग, जो आप देख रहे हैं ओपन, यहाँ पे ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग। इसका मतलब होता है कि आपको सेव करने के बाद, यहाँ जो फाइल का जो नाम दिए, इस सेव करने के बाद आपको डायरेक्ट जो है ओपन हो जाए। अगर चाहते हैं तो इसको टिक रहने दीजिए, वरना अदरवाइज आप इसको हटा सकते हैं दोस्तों, ओके। तो यहाँ से मैं आपको अनटिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ इसको बारे में समझ जाइए, स्टैंडर्ड पब्लिशिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एमबी में करना चाहते, स्टैंडर्ड क्वालिटी में करना चाहते, तो इस पर टिक रहने दीजिए। अदरवाइज मिनिमम साइज या फिर कम साइज में करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ओके। तो चलिए मैं आपको स्टैंडर्ड साइज रहने देता हूँ, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं आपको सारा डिटेल्स में समझा रहा हूँ। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन फर्स्ट में मिल जाएगा ऑल, मतलब जितने भी स्लाइड हैं, जो आपको 4 बताए ना स्लाइड, मतलब ऑल पे रहने दीजिए। तो ऑल क्या होगा कि पूरा स्लाइड आपको सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब सारा स्लाइड जो है आपका पीडीएफ फाइल बन जाएगा। अगर चाहते हैं कि सिर्फ करंट स्लाइड बने, मतलब फर्स्ट वाला, मतलब सिर्फ ऊपर वाला, ओके, सिर्फ ऊपर वाला, तो आपको करंट स्लाइड पर क्लिक करना। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन करने के लिए, दैट मीन्स कि मतलब कि आपको 4 में से सिर्फ 2 करना चाहते हैं, तो आपको सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है, ओके। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे सिलेक्शन होता है ना। तो इसके लिए मैं आपको सिलेक्ट, मान लीजिए कि मुझे आपको ये वाला और ये वाला करना, इसको आपको मैं क्लिक किया, कंट्रोल दबा के आपको फिर इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको उसी तरफ फाइल पर जाना है, ओके। सेव पर क्लिक करना है, सेव पर क्लिक करना है, जिस जहाँ भी जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। सेव एज टाइप, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ कर देना है। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि ओपन नहीं हो फाइल, इस पर अनचेक करना। उसके बाद आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों, बस। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना। तो ये था आपका इस तरह से करने का तरीका, 2 सिलेक्ट की, तो इस तरह से आप करके सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ओके। तो ये आपको मैं आपको ऑल भी बता दी, करेंट बता दी और सिलेक्शन बता दी, ओके। बाकी आपको यहाँ पे जो है स्लाइड वगैरह, यहाँ पे स्लाइड ही रहने देते हैं, यहाँ पे स्लाइड ही रहने देना है ना। बाकी आपको जितना फ्रेम स्लाइड, इंक्लूड हिडन स्लाइड, इंक्लूड कमेंट्स, ये सब आपको रखने देना है यहाँ पे, ओके। बाकी इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली तरीका से क्या करना है, ओके पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ओके पर क्लिक करने के बाद बस सिंपली तरीका से आपको क्या करना है, कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी दे सकते हैं नाम, यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है दोस्तों, ओके। जैसे कि मैं आपको 2 सिलेक्ट किया तो 2 ही यहाँ पे दिखाएगा, तो सेव पर आपको सिंपली तरीका से सेव पर क्लिक कर देना। जैसे मैं आपको सेव पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए सेव हो चुका है, और ये जो है पीडीएफ फाइल में अभी ओपन, मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों।
तो यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डेस्कटॉप पे आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन ये आपको जो है बन चुका है ना, तो इसमें मैं आपको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये जो है पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए हमारा प्रेजेंटेशन जो है पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। देखिए अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं है ना, ये देखिए ओके। तो यहाँ पे मैंने दो सिलेक्ट किया था सिलेक्शन के लिए, तो दो यहाँ पे आ चुका है। ऑल पे करते हैं तो सारा यहाँ पे आ जाता दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है पीडीएफ फाइल, पावर पॉइंट को पीडीएफ फाइल आसानी तरीका से, सिंपली तरीका से कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका से दोस्तों।